पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो पाकिस्तान के दोहरे चेहरे का पर्दाफाश कर रहा है। दरअसल बलूचिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता मामा कादिर बलोच का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ईरान से जाधव का अपहरण करवाया था। एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की इस बात में कोई दम नहीं कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। कादिर बलोच वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच नामक संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि पूरे बलूचिस्तान में उनकी संस्था के लोग काम करते हैं और वो जानते हैं कि ईरान के चाबहार से जाधव को किडनैप किया गया है, जिसके लिए ISI ने आतंकी मुल्ला उमर को ढेर सारा पैसा भी दिया था। उन्होंने कहा कि जाधव तो कभी बलूचिस्तान आए ही नहीं, बल्कि जाधव के हाथ पैर बांध कर उन्हें ईरान बलूचिस्तान बॉर्डर पर लाया गया, जहाँ से ISI ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये पुराना हथकंडा है कि किसी को कैसे किडनैप करना है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में हुई इस बातचीत में एक शीशे की दीवार के आर पार मां बेटे की मुलाकात कराई गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।